हमारे मुमरा शहर में पहली बार क्रिकेट कोचिंग स्टार्ट हुई है, जिसके कोच खुद जावेद जैस खान है, जो कि मुंबई रणजी ट्रॉफी के बड़े खिलाड़ी है। जावेद ने रणजी द गॉड ऑफ क्रिकेट यानी सचिन तेंदुलकर के साथ खेली है। जिस वक्त और भी बड़े खिलाड़ी पिच पर उतरे हुए थे, जावेद जैस ने बीड़ा उठाया है कि यूथ को क्रिकेट से जोड़ा जाए। कोचिंग मुमरा के जेके टर्फ में ही की जाएगी। ये टर्फ ऑल सीजन टर्फ है। स्कूल और ग्रुप कोचिंग भी की जाती है। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। सोशल मीडिया पर अश्लील भाषा और गालियां देकर वीडियो बनाने वाली थेर गांव क्वीन, या यूं कहें कि लेडी डॉन साक्षी हेमंत श्रीमल को भारी पड़ गया है। पुलिस ने FIR दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। मामला महाराष्ट्र के चिंचवाड़ के थेर गांव का है, जहाँ साक्षी हेमंत श्रीमल थेर गांव क्वीन के नाम से इंस्टाग्राम पर अकाउंट चलाती थी और जिसके 30,000 फॉलोअर भी हैं। साक्षी हेमंत श्रीमल जो वीडियो बनाती थी, उस वीडियो में काफ़ी अश्लील और गाली गलौज भाषा का इस्तेमाल किया जाता था। इस तरह की वीडियो बनाने में उसका साथ देते थे कुणाल कांबले और साक्षी रमेश कश्यप। इनकी जो वीडियो बनाने का तरीका था वो बेहद ही शर्मसार करने वाला था और ऐसी कई वीडियो वायरल हुई और इन पर कार्रवाई करने की लोग मांग भी करने लगे। वीडियो पर वाकड़ पुलिस स्टेशन के सब इंस्पेक्टर संगीता जीजा भाव ने थेर गांव क्वीन की टीम पर FIR दर्ज किया है। इन पर 294, 506, 67, 34 के तहत मामला दर्ज किया गया है और पूरे मामले में पुलिस कमिश्नर कृष्ण प्रकाश ने क्या जानकारी दी है, सुनिए। थेर गांव क्वीन, इस नाम से एक अकाउंट चलाती है साक्षी हेमंत श्री श्री माल, और उसका साथी है कुणाल कांबले। ये गणेशपेट का रहने वाला पुणे का है और इसकी तीसरी मित्र है साक्षी रमेश कश्यप। ये तीनों मिलकर बहुत ही अश्लील भाषा में, बहुत ही खतरनाक धमकी भरे स्वर में अपने आप को डॉन की तरह प्रस्तुत करते हुए दिखाई पड़ते हैं। ये इंस्टाग्राम में इस तरह करके वातावरण को अश्लील बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। जिन चीजों की कानून के अनुसार गलत माना जाता है, और इसीलिए हमने उनके खिलाफ इनिशिएटिव लेते हुए हमारी महिला पुलिस उपनिरीक्षक संगीता जीजा भाव गोड़े, इसने केस दर्ज करवाया, अपराध दर्ज करवाया है IPC की धारा 294, 506, 34 के अंतर्गत। और इतना ही नहीं, कलम 67 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अंतर्गत भी केस दर्ज है।